सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार के 10 सबसे बड़े टूरिस्ट स्थलों के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा जानकारी जरूर पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप बिहारी हैं, बिहारी होने का गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। पूर्वी भारत में बसा बिहार राज्य दुनिया के सबसे पुराने स्थलों में से एक है। यहाँ की इतिहास 3000 वर्षों से भी पुराना है। बिहार के टूरिस्ट स्थलों में ऐतिहासिक धरोहर, आस्था और संस्कृति का हमेशा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ की रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति, पर्व और मेले हमेशा टूरिस्ट को लुभाते हैं। यहाँ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का महीना होता है, क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना होता है। बिहार में कई सारे टूरिस्ट स्थान हैं जिसे देखने के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ हर साल लगभग 60 लाख टूरिस्ट घूमने आते हैं। लेकिन आज मैं आपको बिहार के 10 सबसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्थल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। चलिए नंबर 10 से शुरू करते हैं। नंबर 10, गोलघर। यह गोलघर बिहार की राजधानी पटना शहर के गांधी मैदान के पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। इस गोलघर को ब्रिटिश सरकार द्वारा अनाज रखने के लिए बनाया गया था। इस गोलघर में 1,40,000 टन अनाज को एक बार में रखा जा सकता है। 145 सीढ़ियों के सहारे आप इसके ऊपरी स्थान पर जा सकते हैं, जहाँ से आप पटना शहर के साथ साथ गंगा का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। नंबर 9, विश्व शांति स्तूप। यह स्तूप नालंदा जिला के राजगीर शहर में स्थित है। यह विश्व शांति स्तूप एक मशहूर ऐतिहासिक स्तंभ है जिसे शांति शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। यह 400 मीटर की ऊंचाई पर राजगीर पहाड़ी के सबसे ऊंचे बिंदु पर स्थित है। यह शांति स्तूप राजगीर का मशहूर टूरिस्ट स्थल और आस्था का केंद्र है। यह सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना है। विश्व शांति स्तूप तक पहुँचने के लिए रोपवे का सहारा ले सकते हैं। वैसे इसके ऊपर पहुंचने के लिए पैदल जाने का भी रास्ता उपलब्ध है। नंबर 8, बिहार शरीफ की बड़ी दरगाह। यह दरगाह नालंदा जिला के बिहार शरीफ शहर में स्थित है। इस दरगाह में महान सूफी हजरत मखदूम शेख सफरुद्दीन अहमद यहिया मनेरी पीर बाबा की मजार शरीफ है। इनकी दरगाह पर सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर आते हैं और सभी की मुरादें यहां पूरी होती है। यहां हर साल ईद के 5वें दिन इनका सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इनकी दरगाह पर भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग अपनी मन्नत लेकर यहाँ आते हैं। नंबर 7, नौलखा प्लेस। यह प्लेस मधुबनी जिला के राजनगर शहर में कमला नदी के किनारे पर स्थित है, जिसे राजनगर कॉम्प्लेक्स के नामों से भी जाना जाता है। इस महल को दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह के द्वारा बनाया गया था। यह महल साल 1934 में भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे दोबारा बनाकर तैयार किया गया है। यह महल तीनों ओर बगीचे से घिरा हुआ है। यहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है जिसके माध्यम से टूरिस्ट घूम सकते हैं। नंबर 6, पटना म्यूजियम। यह म्यूजियम पटना शहर में स्थित है। इस म्यूजियम का निर्माण साल 1917 में अंग्रेज के शासन काल में हुआ था। अगर किसी को बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी लेनी हो तो पटना म्यूजियम से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। यहाँ एक छत के नीचे बिहार के पूरे विरासत की झलक देखने को मिल जाएगी। इन जगहों पर मुगल काल के बहुत सारे ऐतिहासिक डिजाइन मौजूद है जो अपने आप में एक इतिहास है। नंबर 5, तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा। यह गुरुद्वारा पटना शहर के पटना साहिब में स्थित है। इनका पूरा नाम तख्त श्री हरमंदिर जी है। यह गुरुद्वारा सिख आस्था से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है। इन जगहों पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। इनके बचपन का नाम गोविंद राय था। इस गुरुद्वारा को महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनवाया गया है, जो वास्तुकला का सुंदर नमूना है।
नंबर 4 महावीर मंदिर। ये मंदिर बिहार के पटना जंक्शन के बाहर उत्तर दिशा की ओर स्थित है। यह मंदिर उत्तर भारत के सबसे मशहूर मंदिरों में से एक है, जिसे हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। महावीर मंदिर को साल 1730 में स्वामी बालानंद ने स्थापित किया था। इस मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति के अलावा सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित है। इस मंदिर में रोजाना हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 3 नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय नालंदा जिला के राजगीर शहर में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। यहाँ पढ़ने के लिए ज़्यादातर विदेशी छात्र आते थे। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 10,000 हुआ करते थे। इस 10,000 छात्र को पढ़ाने के लिए लगभग 2,000 शिक्षक शामिल थे। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों को भी खूब पसंद आता है। नंबर 2 संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। यह चिड़ियाघर पटना शहर के बेली रोड के पास स्थित है। इस चिड़ियाघर में पार्क भी स्थित है, जिसके माध्यम से लाखों लोग घूमने और पिकनिक मनाने के लिए यहां आते हैं। साल 1973 में इस चिड़ियाघर को आम जनता के लिए खोला गया था। इस चिड़ियाघर में लगभग 800 जानवरों को रखा गया है। यह पार्क 152 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ हर साल 20 से 25 लाख टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। नंबर 1 महाबोधि मंदिर। यह मंदिर गया जिला के बोधगया शहर में स्थित है। महाबोधि मंदिर में भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर स्थित है। इस महाबोधि मंदिर की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान है। भगवान गौतम बुद्ध को बोधि पेड़ के नीचे तपस्या करने पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्मों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया। इस मंदिर को उसी स्थान पर बनाया गया है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, बिहार के टूरिस्ट स्थलों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।